आज असत्य पर सत्य की विजय का महापर्व है, उस राम का महापर्व है जो अपने अस्तित्व अपने मंदिर के लिए तरस। भाजपा के लोगों ने जुमलेबाजी की थी कि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 हटाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो नौजवानों को रोजगार दें, गौ रक्षक गुंडे लगने लगे हैं, गौ हत्यारे प्यारे लगने लगे हैं। और गौ हत्यारे प्यारे लगने लगे हैं ये दावे के साथ है उनका कहीं ना कहीं कोई समझौता है, नहीं तो गौ हत्यारों को वो गुंडा नहीं कहते। इसलिए सरदार पटेल का संकल्प भूल गए, गुजरात का संकल्प भूल गए, भारत का संकल्प भूल गए और उन्होंने कहा कि दो से हम पूर्ण बहुमत में लेके आओ, हम राम मंदिर बनाएंगे। अभी तो वो गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत आवास दे रहे हैं, पता ना मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पर मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आप भगवान को भी तो उस गरीबी की योजना के अंतर्गत ले लो, उनको भी तो आवास दे दो। ये भारत राम का है, लाखों लोग कार सेवा करेंगे, 21 अक्टूबर चलो अयोध्या की गूंज सुनाई देगी और तुम्हारी सरकार 2019 में नहीं आएगी। यही बात तो डॉक्टर तोगड़िया ने की थी जो तुमने निकलवा दिया उनको, क्योंकि सत्ता का दबाव था। और विश्वहिंदु परिषद के लोग तो एक तरह से तुम्हारे आदेश पर चलने वाले लोग हैं, तोगड़िया तो तुम्हारे आदेश पर चलने वाला नहीं था इसलिए तुमने तोगड़िया को निकलवा दिया। अब मोहन भागवत को भी निकलवाओ क्योंकि वो तो अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं। अब कानून के सहारे मंदिर नहीं बन सकता मोदी जी, सरकार 5 महीने की बची है, या तो अध्यादेश लेके आओ नहीं तो सत्ता छोड़ दो। और सत्ता तो तुम्हें हिंदू अपने आप ही, क्योंकि हिंदू विचार एक बहुत बड़ा भारत में एक विचार रखने वाला वर्ग है। जब तुम्हारे खिलाफ माहुईम चलेगी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना तुम बाबर बन पाओगे ना तुम राम बन पाओगे, तो तुम तो 3 तलाक में घूम रहे हो। अरे हिंदुओं के लिए भी चिंता कर लो, आप राम जन्मभूमि के लिए भी अध्यादेश ले आओ, ये 3 तलाक की बात छोड़ दो। ये 3 तलाक वाले लोग तो देश में संख्या संतुलन बिगाड़कर देश की सत्ता पर विराजमान होना चाहते हैं, यही काम करवाना चाहते हो आप। मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, अगर तुमने प्रतिबंध नहीं हटाया अयोध्या और आप लखनऊ की रैली पर, तो एक महान महासंग्राम होगा। हम जान भी देंगे जवानी भी देंगे, पर भगवान राम का मंदिर बना कर रहे हैं।